अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ऑफिस में नहीं की बात करा रहे का क्या अच्छे समझा देना आप समझा देना वो क्या है आज आदमी ले लो कल मिलवा देंगे अभी आदमी मेरी बात नहीं सुन मेरा फोन उठा रहा मैं क्या पुलिस पे आपका कितना विश्वास है? कोई विश्वास नहीं है। अभी आप किससे मिलने आए थे? सात दिन का बोला उन्होंने। अभी आप किससे मिलने आए थे? अभी एसपी साहब से मिले। क्या बोले एसपी साहब? सात दिन का दिया है। सात दिन का दिया। आठवें दिन भी मिलने आए। छोड़ भी दिया पुलिस ने उसे रिमांड भी नहीं दिया। नहीं रिमांड नहीं लिया सर उसका। मारा को तो कुछ भी नहीं छोड़ दिया उसको तो पुलिस पे क्या आरोप लगा रहा हो आप? पुलिस अरे पुलिस कहीं भी नहीं करेगी साहब हमारा कहीं भी नहीं करेगी कार्रवाई नहीं करेगी छोड़ दो पुलिस ने 14 साल पकड़ लिया भी छोड़ दिया क्या पुलिस पे से विश्वास उठ गया क्या विश्वास उठ गया हमारा पुलिस पे विश्वास उठ गया आपका विश्वास नहीं आपने अभी बोला पुलिस बिक गई है उसको छोड़ दिया उसको छोड़ा क्यों अभी तक कार्रवाई हमारी छोड़ा क्यों क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ हमारा बच्चे के साथ पकड़ के ले गए कुछ कह रहे हैं फिर भी थाना में छोड़ दिया उसको उसके बाद में और पुलिस बोल रही है ढूंढेंगे उसके बाद में कितने दिन पुरानी घटना है क्या करा था उसने उसके बाद पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है जो तालाब में लाश मिली थी आज कितने दिन होगा घटना को क्या करा पुलिस ने ग्राम सारोल का रहने वाला हूँ क्या हुआ था आपके भतीजे किसके साथ भतीजे के साथ पहले एक आया अकबर का लड़का अपहरण करके लेके गया क्या नाम है उसका आर्यन चौधरी अर्जुन चौधरी फिर वो लेके गया है 24 तारीख की दोपहर को और जब शाम को मालूम पड़ा कि कोई बच्चा नहीं है घर पे तो हम पुलिस चौकी पर गए पुलिस प्रशासन ने हमको बोला कि भैया 24 घंटे के बाद में हम कंप्लेन करेंगे 24 घंटे के बाद में हम गए तो बोले कि भैया हम हमारे हिसाब से काम करेंगे और जो लड़का लेके गया था वो ना तो रात को 24 तारीख को रात को घर था ना दिन में घर पे था हमने सर को बोला कि सर जो लड़का हमारे बच्चे को बिठा के ले गया उससे पूछताछ तो करिए तो सर किसी ने पूछताछ नहीं की और फिर 24 घंटे के बाद हमने बोला कि हमारी FIR कर दो हमारी कंप्लेंट लिखो किस बात की कंप्लेंट लिखना था आपको बच्चा गुम गया था ना उसके साथ गया था ना गुमशुदा के अपहरण ही सीधा सा अपहरण ही फिर क्या हुआ तो सर अपहरण करने के बाद उतने नहीं लिखा बोले हम हमारे हिसाब से काम करेंगे अपहरण का कोई केस बनाया कौन से थाने में गए थे कहाँ पे गए डबल चुकी हाँ अच्छा फिर क्या हुआ फिर सर यही बस ढूंढने में हम ढूंढ रहे हैं उनको बोलते हैं कि सर हमारी मदद करो ढूंढने में क्या हुआ फिर आपको नहीं ढूंढने रहा था वो हमारे को मिले ही नहीं और फिर चौकी में किससे मिले थे हम वो सचिन सोनगरा SI से फिर आपका बच्चा कहाँ मिला आपको हमको लास्ट में तालाब में मिला कितने कितने घंटे कितने दिन बाद मिला 29 तारीख को मिला 24 तारीख को गया था 29 तारीख को मिला 6 दिन बाद तालाब में किस स्थिति में मिला आपको मरा हुआ
फिर आपने क्या करा? सर क्या करना है, हमने बोला था कि सर टीएम रिपोर्ट जो है हमारे इंदौर में करवाओ, ये सबके सब पीआई साहब जो लगे तो देवास में ले आए। आज कितने दिन हो गए? आज इसको 10 दिन हो गए। फिर अभी आप कहाँ पर आए हो? एसपी ऑफिस आए हैं सर से रिक्वेस्ट करने के सर हमारा केस का कुछ कराए, क्योंकि थूकने पे लोग मकान तोड़ रहे हैं तो सर ये तो मर्डर है सीधा सर। क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं गुनाहगार का। कौन है गुनाहगार? गुनाहगार ये अकबरपुर जो लड़का लेके गया वही गुनाहगार। क्या पुलिस ने उसको अंदर कर लिया? नहीं सर, करा था छोड़ दिया। मैं पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं आपके? हाँ बिल्कुल, सीधा सीधा पुलिस प्रशासन पे ही सवाल है हमारा, तो पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं करा हमारे साथ में अभी तक, ना करा है ना करेंगे शायद। उस पे कार्रवाई की जाए। एसपी ऑफिस आए थे, एसपी ऑफिस सर साहब ने बोला है कि 7 दिन का दिया है हमको आश्वासन के, 7 दिन में हम कुछ करेंगे। सर बताएं अभी एसपी ऑफिस में कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, आपसे मिलने भी आए थे, क्या पूरा? एसपी ऑफिस में कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन में उन्होंने जो मांग रखी है, एक बालक 15 साल का कुछ समय पहले गुम हुआ था, जिसमें बाद में उसके तालाब में शव मिला था, तो उस मामले में परिजनों के द्वारा किसी पर शक शुबा जताई जा रही है कि इसमें मामला हत्या का हो सकता है। पुलिस चूँकि हर अननेचुरल डेथ में मर्ग जांच करती है, इसमें भी मर्ग जांच की जा रही है, जिसमें अभी पीएम रिपोर्ट अवेटेड है और कुछ और रिपोर्टें आनी हैं, उन रिपोर्टों के आने के पश्चात पुलिस इसमें और जांच वैधानिक रूप से आगे बढ़ाएगी। सर उन्होंने आरोप लगाए पुलिस पे कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, जो उनके बच्चे को बिठा के ले गया था उसको पुलिस ने थाने बुलाया, डबल चौकी और वापस छोड़ दिया है। चूँकि अभी मामले में हत्या या कोई ऐसा प्रकरण नहीं दर्ज हुआ है, तो इसलिए इसमें अभी ये जाँच में चल रहा है। इसके अलावा जो कथित रूप से संदेही है उससे भी बयान लिए गए हैं। अब चूँकि बाकी साक्षियों की तलाश पुलिस कर रही है और आगे जरूरत पड़ेगी तो उक्त व्यक्ति से और पूछताछ की जाएगी। आपके पास बैठे हो तो आपसे क्या समझा, क्या बात हुई, आपने क्या? इस पर परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया कि कोई भी अननेचुरल डेथ होती है तो हमें पीएम रिपोर्ट, बाकी फॉरेंसिक जाँच और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मामला कोई चश्मदीद नहीं है इसका, सर्कमस्टांशियल है, तो उन सब चीज़ों के लेने के पश्चात ही इसमें पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी, तो ऐसा उनको समझाया गया है।